महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। जाने और अनजाने में कभी भी किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, चाहे आपका हक खाया हो, आपका अधिकार खाया हो, आपके साथ कुछ मिसबिहेवियर करा, आपके साथ धोखा किया, छल कपट किया, आप उन पर बहुत यकीन कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके साथ जाने और अनजाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छल कपट किया, जिससे आपका मन बहुत आहतित है, आप बहुत परेशान है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके उस व्यक्ति का सबक सिखा सकते हैं। इसे मिसयूज़ ना करें, यह प्रयोग बहुत सकारात्मक प्रयोग है, लेकिन यह प्रयोग उन्हीं पर लागू होगा कि आपके साथ सच में, आपको सच में ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ चीज़ें गलत की है, हमारा मिसयूज़ किया, हमारे धन का हानि किया, हमारे इमोशनल तौर पर बहुत सी तकलीफें और परेशानी, हम एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं और परेशान उन्होंने किया। तो ऐसी परिस्थितियों में जो मैं बातें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा और आखिरी देखकर समझ ले, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, समझ लेंगे तो आपके जीवन में कई सारी परेशानी और कई सारी बाधाओं से आप बच पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर चाहते हैं कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आए, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको नियमित रूप से यह करना है, एक नारियल ले, नारियल के अंदर, नारियल सूखा नारियल ले, नारियल के अंदर आपको शक्कर और बराबर शक्कर और आटा, गेहूं का आटा, किसी भी चीज़ का आटा आप उसमें बराबर डाल सकते हैं और उसे रखें लाल कपड़े में बांधें। पहले बांधने के बाद 11 बार 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें उस नारियल के सामने। उसके बाद जो भी घर के आसपास, उसे लाल कपड़े से हटा लें, कपड़े को आप कहीं बहती नदी में प्रवाहित करें और उस नारियल को आप ज़मीन में गाड़ दें किसी भी पेड़ के नीचे। जैसे जैसे उसका चींटियां भोजन करेगी, वैसे वैसे आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके जीवन में सकारात्मक